Hi friends, welcome to Ignited Minds. Today we are going to do a lesson from your Beehive book, Standard 9th. The name of the lesson is Kathmandu and it is written by Vikram Seth. This chapter, Vikram Seth recalls his memories of his visit to Kathmandu, the capital of Nepal. Kathmandu is an extract from Vikram Seth's traveler, Heaven Lake, which describes his long journey from China to India via Tibet and Nepal. This chapter is an account of his time spent in Nepal visiting two temples, the Pashupatinath and the Bodhnath Stupa. He describes ambience inside these two temples and his observations about their surroundings. So let's start the lesson. Vikram Seth कहते हैं कि उन्होंने एक सस्ता सा कमरा किराए पे लिया and वहाँ वे काफी देर तक सोते रहे. दूसरे दिन सुबह वे मिस्टर शाह के बेटे and उनके नेफ्यू यानी उनके भाई या बहन के बेटे के साथ काठमांडू के जो दो मेन टेम्पल्स है, एक तो हिंदूस का एंड दूसरा बुद्धिस्ट का, वो देखने चले गए. पशुपतिनाथ टेम्पल जो हिंदू टेम्पल है उसके बाहर एक साइन बोर्ड लगाया हुआ है कि एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली. सो पशुपतिनाथ टेम्पल में ओनली हिंदूज आर अलाउड. ये मंदिर के आसपास काफी हरीड एक्टिविटीज देखने को मिलती है, काफी चहल पहल देखने को मिलती है. फेब्रील कंफ्यूजन यानी कंप्लीट केओस. सो राइटर यहाँ मंदिर के बाहर का माहौल डिस्क्राइब कर रहे हैं कि यहाँ पर काफी भीड़ है, काफी चहल पहल दिखाई दे रही है एंड वहाँ पर प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउस, मंकीज, पीजन्स, डॉग, ये सब वहाँ पर घूम रहे होते हैं एंड वहाँ पर क्योटिक सीन दिखाई दे रहा है. राइटर ने मंदिर में फूल चढ़ाए. आगे राइटर कहते हैं कि वहाँ पे श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा भीड़ है कि मंदिर में आगे जाने के लिए वे सब धक्का मुक्की करते हैं एंड दे आर एल्बोड असाइड टू रीच द फ्रंट. भी वहाँ पर नेपलीज रॉयल हाउस से प्रिंसेस आती है पूजा करने एंड जैसे ही वो आती है एवरीवन बोज हर एंड मेक्स वे फॉर हर, उसके लिए रास्ता बनाते हुए साइड में हट जाते हैं. मेन गेट के पास सैफ्रन क्लैड वेस्टर्नर्स थे. दे वर स्ट्रगलिंग फॉर परमिशन टू एंटर द टेम्पल. सैफ्रन क्लैड यानी जिन्होंने साधु जैसे ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हो. नाउ ये तो मंदिर है तो व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग फॉर परमिशन? बिकॉज पशुपतिनाथ मंदिर का रूल है कि ओनली हिंदूज आर अलाउड इन द टेम्पल एंड जो गेट पे पुलिसमैन खड़ा है ही इज नॉट कन्विंस्ड कि ये वेस्टर्नर्स जो है दे आर हिंदूज. दूसरा सीन राइटर डिस्क्राइब कर रहे हैं कि तभी दो बंदरों के बीच में फाइट शुरू हो गई एंड एक बंदर दूसरे बंदर का पीछा करते करते शिवलिंग पर चढ़ गया. चिल्लाता हुआ मंदिर के आसपास घूमने लगा एंड बाद में वो सीधा बागमती रिवर जो वहीं पर नीचे फ्लो होती है वहां चला गया. अगर हम पशुपतिनाथ मंदिर देखेंगे तो वहाँ मंदिर के पास में स्टेयर्स है एंड वे स्टेयर्स जाते हैं सीधे बागमती रिवर के पास. सो ये बंदर भी एक दूसरे के साथ फाइट करते करते शिवलिंग के ऊपर चढ़कर चिल्लाते हुए मंदिर के आसपास घूम के नीचे स्टेयर्स उतरकर बागमती रिवर तक पहुँच गए. सो राइटर कहते हैं कि जब वे पशुपतिनाथ मंदिर गए तब बागमती रिवर के किनारे एक कॉर्प्स को क्रिमेट किया जा रहा था, एक डेड बॉडी को जलाया जा रहा था. इसके साथ साथ एक साइड पर वॉशरवुमेन नदी के किनारे कपड़े धो रही थी एंड पास ही में बच्चे नहा भी रहे थे. सो दीज आर ऑल द एक्टिविटीज दैट द राइटर सॉ ड्यूरिंग हिज विजिट टू पशुपतिनाथ टेम्पल. उतने में एक घर की बालकनी में से फ्लावर्स एंड लीव्स से भरी हुई टोकरी को पानी में बहा दिया जाता है. ये फूल एंड लीव्स पुराने हैं जिन्हें भगवान पर चढ़ाया गया था. ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड यानी भगवान पर चढ़ाए हुए पुराने फूल जो अब ड्राई हो चुके हैं. विल्टेड यानी ड्राई अप. हम भी तो यही करते हैं, पुराने फूल एंड हार को हम नदी में बहा देते हैं. नाउ इस नदी के किनारे पत्थर का प्लेटफॉर्म बना हुआ है. इस स्टोन प्लेटफॉर्म में से अ स्मॉल श्राइन, श्राइन यानी छोटा सा मंदिर एंड प्रोट्रूड्स यानी बाहर निकलना. सो ऐसा ही छोटा सा एक मंदिर उस स्टोन प्लेटफॉर्म में से बाहर की तरफ निकल रहा है. इस नदी के किनारे इस छोटे से मंदिर की ऐसी मान्यता है, लोग ऐसा मानते हैं कि जब ये आधा बाहर आया हुआ श्राइन पूरी तरह से बाहर निकल आएगा, when it emerges fully, तब उस मंदिर के अंदर जो देवी है she will escape, वो बाहर आ जाएगी एंड कलयुग में होने वाली सारी बुराई को खत्म कर देगी. ये टेम्पल बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करता है. अब ये काठमांडू का बौद्धनाथ स्तूपा जो है वो पशुपतिनाथ टेम्पल से एकदम ऑपोजिट है. टोटल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है दोनों टेम्पल में.
पशुपतिनाथ टेम्पल जो फुल ऑफ एक्टिविटीज था, उसके कॉन्ट्रास्ट में बौद्धनाथ स्तूपा में एक तरह की स्टिलनेस देखने को मिलती है, एकदम शांति देखने को मिलती है। इस टेम्पल के ऊपर बड़ा सा व्हाइट कलर का डोम है एंड इसके चारों तरफ एक रोड जैसा बना है जिस पर ये बोधीज यानी मॉन्क्स चलते हैं। हम जिस तरह से मंदिर के चारों तरफ प्रदक्षिणा करते हैं, उसी तरह से इस स्तूपा के चारों तरफ ये लोग प्रदक्षिणा करते हैं। अब यहाँ पर टिबेटन इमिग्रेंट्स कहा है क्योंकि ये टिबेट से आकर नेपाल में परमानेंटली सेटल हो गए हैं। अब इस टेम्पल के बाहर बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स लगी हुई है जो टिबेटन लोगों को बिलोंग करती है एंड यहाँ पर वे लोग फेल्ट के बने हुए बैग्स, टिबेटन प्रिंट्स के कपड़े एंड सिल्वर ज्वेलरी बेचते हैं। अगेन राइटर पशुपतिनाथ के कॉन्ट्रास्ट में बताते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल क्राउड नहीं है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है एंड हेवन ऑफ क्वाइटनेस है, यानी एक तो भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं, अ सेफ प्लेस एंड बहुत ज्यादा शांति। नाउ इस फोर्थ पॉइंट में राइटर काठमांडू को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यहाँ पर विविड, विविड यानी वैरायटी, सो यहाँ पर वैरायटीज ऑफ चीजें देखने को मिलती है। मर्सिनरी यानी यहाँ पर बिजनेस भी होता है, रिलीजियस यानी यहाँ पर धर्म के काम भी होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर भी है जिसमें फूलों से सजाई हुई भगवान की मूर्तियां भी है। देन यहाँ पर नैरो एंड बिजी स्ट्रीट्स भी है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत सारे लोगों की वजह से ये नैरो स्ट्रीट बिजी रहता है। किन लोगों की वजह से यहाँ भीड़ रहती है, तो यहाँ फ्रूट सेलर्स है, फ्रूट सेलर्स भी है, पोस्ट कार्ड बेचने वाले लोग भी है, देन शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स यानी वहाँ ऐसी दुकानें भी है जो इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक्स बेचती हो। नाउ क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं सो कैमरा के रोल बेचने वाली भी दुकानें हैं एंड देन चॉकलेट्स की दुकानें, कॉपर यूटेंसिल्स की दुकानें एंड नेपाल के एंटिक चीजें बेचने वाली दुकानें भी यहाँ हमें देखने को मिलती है। नाउ इस बिजी स्ट्रीट में बहुत सारे हॉकर्स एंड शॉप्स के अलावा यहाँ पर बहुत सारा नॉइजी एटमोस्फियर भी है। कहीं पर जोर जोर से रेडियो में से फिल्म सॉन्ग्स बज रहे हैं, कार के हॉर्न की आवाज, बाइसिकल के बेल की ट्रिन ट्रिन आवाज, गाय की आवाज, मोटरसाइकिल की आवाज, वेंडर्स जो जोर जोर से चिल्लाकर अपना सामान बेच रहे होते हैं उनकी आवाज, सो इस तरह की अलग अलग आवाजें वहां पर हमें सुनने को मिलती है। अब राइटर अपने बारे में बताते हैं कि उन्होंने काठमांडू में क्या क्या किया। सो राइटर कहते हैं कि इतना सारा नॉइज एंड डिस्टर्बेंस के बावजूद ही इंडल्ज हिमसेल्फ माइंडलेसली, यानी बिना किसी चीज की परवाह किए आसपास का माहौल एंजॉय करते करते अपने काम में मस्त हो गए। नाउ राइटर बताते हैं कि उन्होंने वहां से क्या क्या खरीदा। तो उन्होंने अ बार ऑफ मार्जिपैन खरीदी, मार्जिपैन यानी अ स्वीट मेड विद ग्रेटेड आलमंड, देन अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर खरीदी, कॉर्न कॉब यानी मकई का बुट्टा, रोस्टेड यानी सेकना या भूनना एंड चारकोल ब्रेजियर यानी कोलसे की बनी हुई सगड़ी। सो कोयले पर भुना हुआ मकई का बुट्टा खरीदा जिस पर सॉल्ट, चिल्ली पाउडर एंड लेमन रब किया हुआ था। देन उन्होंने लव स्टोरी की कॉमिक्स एंड एक रीडर्स डाइजेस्ट खरीदी। नाउ इतना सब खाने के बाद राइटर ने एक कोक पी, देन उसके ऊपर ऑरेंज ड्रिंक पिया, तब जाकर वे अच्छा फील करने लगे, नॉजिएटिंग यानी सिकनिंग। अब राइटर सोच रहे हैं कि वे घर कैसे पहुंचे। इफ ही वॉन्ट्स टू एंजॉय ट्रेवलिंग देन ही वुड गो बाय बस, देन ट्रेन पकड़ेंगे, गंगा में सेल करते हुए बनारस होते हुए अलाहाबाद पहुंचेंगे, वहां से यमुना में सेल करते हुए आगरा क्रॉस करते हुए ही वुड रीच दिल्ली। बट ये सब सोचने की बात थी, वे बहुत थक गए थे एंड उन्हें घर की याद आ रही, ही वॉज होम सिक, सो वे सीधे नेपाल एयरलाइंस गए एंड वहां से उन्होंने नेक्स्ट डे का काठमांडू से दिल्ली की एयर टिकट बुक कर दी। अब राइटर एक फ्लूट सेलर को डिस्क्राइब कर रहे हैं जो होटल के बाहर खड़ा था। उस फ्लूट सेलर के पास एक पोल था जिसमें से 50-60 बांसुरीज बाहर निकल रही थी एंड जो पॉक्यूपाइन के क्विल को रिजेम्बल कर रही थी। ही हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बांसुरीज मेड ऑफ बैम्बू। थोड़ी थोड़ी देर पे ये फ्लूट सेलर कोई भी एक फ्लूट निकाल कर बजाता था एंड ये आवाज इतनी सुरीली एंड क्लियर थी कि ट्रैफिक के आवाज को एंड सामान बेचने वाले हॉकर्स को पार करके राइटर तक पहुंच रही थी। ये हॉकर अपनी धुन में ही बांसुरी बजा रहा था विदाउट एनी डिस्प्ले एंड ना ही वो जोर जोर से अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला रहा था। ओकेशनली वो एकाध सेल कर भी लेता था बट इन अ कैजुअल वे, यानी अगर कोई फ्लूट खरीदने आता है तो वो बजाते बजाते रुक जाता था, उसे फ्लूट देकर अगेन ही वुड स्टार्ट प्लेइंग इट। कभी कभी वो ब्रेक लेकर किसी फ्रूट सेलर से बात भी कर लिया करता था एंड इसे देखकर ऐसा लगता था कि काफी सालों से इस फ्लूट सेलर की यही लाइफ की पैटर्न रही होगी। इसे फ्लूट बेचने में कोई
इंटरेस्ट नहीं है, अगर कोई खरीदने आता है तो वो कैजुअली उन्हें बेचता है, अदरवाइज वो अपनी धुन में बजाता ही रहता है। फ्लूट ने राइटर को हमेशा अट्रैक्ट किया है। राइटर कहते हैं कि हर कल्चर में, हर रीजन में आपको अलग तरह की फ्लूट देखने को मिलेगी। देन ही टेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूट्स एंड इट्स साउंड्स, जैसे कि रीड ने, द रिकॉर्डर, द जैपनीज शाकुहाची, द डी बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लेयर और ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स एक्सेट्रा। आगे वे कहते हैं कि हर बांसुरी के बजाने का तरीका अलग है एंड हर बांसुरी की रेंज, उसकी पिच अलग होती है। ईच हैज इट्स ओन डिफरेंट इफेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू द राइटर, फ्लूट जो है वो मैनकाइंड के काफी नजदीक है, काफी कॉमनलिटी है फ्लूट में एंड मैनकाइंड में। हम जब बात करते हैं तो हमारे बात करने का जरिया ब्रीद है, हमारी सांसें हैं। हमारी ब्रीद के अप एंड डाउन होने की वजह से हमारे फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस बनते हैं। उसी तरह से विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, फ्लूट बजाने का भी मेन जरिया हमारी सांसें हैं। राइटर कहते हैं कि ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो उनपे इतना गहरा असर डालती है जितना कि ये बांसुरी। आगे वे कहते हैं कि पहले जब वे अब्रॉड जाते थे तो इतने डिटेल में कभी उन्होंने इतना सब कुछ नोटिस नहीं किया था, बट फ्लूट से वे इतने अटैच्ड है कि इस बार उन्होंने हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स नोटिस की थी। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।